अजब राम की, मेरे सारे देवी देवताओं की, मेरे सारे परिवारों की और मेरी सारी सखियों की। आज हमारे ताऊ के जोश को देख कर लगता है कि परमात्मा साक्षात धरती पे आया हुआ है। एक बूढ़े आदमी का मन एक छोटे बच्चे जैसा होता है। एक छोटे बच्चे से अगर कुछ पूछोगे तो वही बात बोलेगा जो परमात्मा के आदेश होते हैं। तो ताऊ की भी बात मैंने इसी लगे लगता पाया। और ताऊ मैं भरोसा दिलाऊ तुम्हें, तेरी यह वोट जीतने जाओगी, क्योंकि आज हम सब लोग इकट्ठा हुए और मैं कहती हूं, मैं सलाम करती हूं, प्रणाम करती हूं मेरी इन सखियों को, मेरे उन परिवारों को जो 3 घंटे का काफला लेके इतनी धूप के अंदर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोग। मैं सबको राम राम भी करती हूँ। ये जज्बा ही तो है। एक 90 साल का बूढ़ा नाच रहा है और 70-70 साल की मेरी चाची ताई 3-3 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चलन लगी है। जमीनी तो है। और मान के चलो इस जुनून का कोई मतलब नहीं कि कितना लंबा जा सकता है, कितनी मजबूती से जा सकता है। काफला बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन से हम यही बात नोट कर रहे हैं। परिस्थितियां जैसे ही बदली, आपके अंदर भावना जो है और मजबूत हो गई, अंदरूनी ताकत और मजबूत हो गई। मुझे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि मैडम जी आपको कैसा लग रहा है। अरे मैं कह, इतनी हजारों जनता जो जा रही है इनसे पूछ लो इनको कैसा लग रहा है। इन्होंने एक ठान लिया कि जो बात हम कुछ साल पहले नहीं कर पा रहे इनको इस बार पूरा करने का बीड़ा आप सबने उठाया है। वरना महिलाएं और 20 दिन का इलेक्शन और हजारों की तादाद में पैदल चल के सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये महिलाएं बाहर रहती है। मैं कहती हूं ऐसी महिलाओं को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अरे मुझे लगता है एक एक महिला घर में भैंस, घर में बूढ़े, जाके रोटी भी बनानी, भैंस भी संभाल दे, फिर 9 बजे चल लेना। बेटा तारा कोई मुकाबला नहीं है। आप मरण पर उतारू होगी तो सबके भी करके मानना जी का मेरा पूरा विश्वास है। आज बदली हुई परिस्थितियों के अंदर जिस ढंग का आपने एक जोश आया हुआ है और उस जोश के साथ मैं कहती हूं कि महल 24 और ड्रामा पगड़ी और पंचायत के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। पंचायत ने लिया फैसला उसको पार लगाते हैं और सबको मानना पड़ता है। तो ये महम 24 ग्रामा की पंचायत ने पंचायती उम्मीदवार मुझे बनाया है। तो वो फैसला आप लोगों ने लिया है और उस फैसले पे मोहर लगा के जिताने का काम भी आप लोग करोगे। और आप लोगों द्वारा लिया गया फैसला चाहे किसी पार्टी का आदमी हो सब ने मानना ही पड़ेगा, उनकी आत्मा मानना ही मानना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि ये लड़ाई कोई हमारे व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई है मेरे महम 24 अठवामा के विकास की। पिछले 10 साल से हमारे महम के अंदर कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये महम इतना मजबूत हल्का है, इसमें विकास कार्य बहुत तेज गति से होने चाहिए थे। लेकिन मैं कहती हूं कि विकास कार्य तो जब होते हैं जब किसी इंसान की काम करवाने की नीयत होती है। आपने बहुत एमएलए बनाए, बहुत से एमएलए को पदों पे भी बैठे हुए देखा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज 35 साल का राज करने के बाद एक बार पुनः फिर चल पड़े हमारे पूर्व विधायक अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए। अरे ये परंपरा क्या कोई और बच्चा नहीं है क्या? किसी और का नंबर नहीं आ सकता क्या? और फिर एक गलत रिवाज पड़ गया हमारे महम के अंदर। पिछली बार कलानौर का एक भाई आया और इस महम
पगड़ी पहनाई, ताज पहनाए, एमएलए बना दिया। और ये गलत राय पड़ गई, मैं चौबीसी के दाओ गलत राय पड़ गया, क्योंकि एक बार मैं गलत राय पड़ गई, बीजेपी वालों ने भी मौका साफ आ गया, और भाई कलो ही तो फिर दीपक हुड्डा ले दिया। तो इसको बंद करने के लिए मेरे सभी गांव वासियों से, सभी मैम चौबीसी अड़गामा के लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आपके बीच का कोई बेटा है, कोई बहू है, कोई बेटी है, उसका भरपूर सहयोग करो, भरपूर साथ दो, लेकिन भारी आदमियों को आपको रोकना ही पड़ेगा, वरना विकास की दर वो नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें अपनेपन की भावना है। शमशेर खरखड़ा जी 15 साल से आपके बीच में है, और सच में मानो तो ये 7 दिन के गैप के बाद जो मैंने महसूस किया, और मैंने एक ही बात घर में कही, हमने राजनीति नहीं करी, हमने पारिवारिक संबंध बनाए हैं, तभी तो हजारों लोग हमारे साथ हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। राजनीति तो आती जाती है, लेकिन इतना बड़ा कुर्बा परिवार जोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आप लोगों की आस्था को मैं देख रही हूँ, शायद प्रभु ने कोई हमें पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, जब आप जैसे हजारों हजारों की संख्या में परिवार मेरे साथ हैं। और ये हलका जो है ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार करता है, और अब समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति राजनीति करता है और कौन व्यक्ति आपके लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहता है। इस बार आपको पहचानना ही पड़ेगा। आने वाला समय इस बात के लिए नहीं है कि हम किसको वोट दें, आप लोगों को वोट देने के लिए आपके गांव का विकास हो, आपके युवा बच्चों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, और आपकी सारी सुविधाएं 10% और गति से बढ़े, उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। और मैं यही कहूंगी अंत के अंदर कि आप लोगों ने, मुझे मीडिया वाला भी पूछते हैं, आप कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बोलते, गांधी जी के बारे में क्यों नहीं बोलते, कुंडू जी के बारे में क्यों नहीं बोलते। भाई मैं दोनों विधायकों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोगों ने व्रत रखे हैं। मैं अगर बोलूंगी तो मेरे युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बोलूंगी, मैं बोलूंगी जिस गांव का विकास कैसे हो उसके लिए बोलूंगी, मैं बोलूंगी तो मेरी महिलाओं के विकास के लिए बोलूंगी, बोलूंगी जिस गांव के लिए बोलूंगी, वरना किसी विधायकों के बारे में नहीं बोलूंगी। आप लोगों ने मेरे से ज्यादा देखा है उन लोगों को, लेकिन पार्टियां इलेक्शन लड़ाती है और लोग कैसे सेटिंग करते हैं मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन पूर्व में विधायक रहे और पिछले अभी योजना में विधायक रहे, भाई ये बताओ निर्दलीय बनाने का मतलब क्या होता है? निर्दलीय बनाने का मतलब होता है उस हलके का सरकार में साझा करवाना। पिछली 2 योजना से हमारा महम चौबीसी सरकार में साझा नहीं कर पाया। अगर सरकार में साझा नहीं होता तो विकास कार्य की गति नहीं बढ़ पाती, ये मेरा मानना है, आप लोगों का भी यही मानना चाहिए। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए विधायक बन के चले जाते हैं और मनसा होती है बड़े बड़े पदों की, तो जनता के आशीर्वाद को नकार के अपने पद का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी वादा ऐसी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे आगे किया है पंचायती उम्मीदवार के तौर पे। ये टिकट भी आपकी है, ये जीत भी आपकी है, और जीतने के बाद फैसला भी आपका है कि सरकार में साझा करेंगे हम लोग। मेरा ऐसा विश्वास है सरकार में अगर साझा होगा तो इस महम हलके का विकास होगा, और मैं आपको भरोसा और वायदा करती हूं कि आने वाला समय मेरे और मेरे परिवार की खूबी आप लोग जानते हो, मेरे अंदर एक जुनून है कि कोई भी काम करना हो उसको तुरंत करवाओ। मैं अगर काम करना चाहती हूँ, मेरे अंदर काम करने का जज्बा है, आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं सब वो करूंगी जो शायद आज आपने थोड़ा सोचा होगा, उसे कई गुना ज्यादा करके दिखाना चाहती हूँ। और मैं रास्ते में कुछ छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे रोड शो के दौरान, एक भाई आया और पूछने लगा जी उसको कौन हराएगा, और बोला जी उसको कौन हराएगा, जो उसको हराएगा उसको हराएगा वोट देंगे। अरे अम्मा बोली मैं सब नारा दूंगी, मैंने वोट दे दू। और भाई अपील तो एक ही करूंगी, मेरे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं
जिन्होंने कई साल से वोट डाल रहे, कई एमएलए विधायक देखे भाई सब ने कहूं एक बात, अगर आपने सारे बर्थ लिए, पहले वाले विधायक अब वाले विधायक, भाई एक बार राधा ने भी बर्थ के देख लोगे हमारा मारो, और पांच साल में वोट तो गए नहीं हुए, सारे गिर गिर के देख ली, एक बार राधा का बटन और दाब के देख लो। लेकिन मैं जिस ढंग से जिस प्यार से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, खास करके महिला और परिवारों से एक ही बात कहना चाहती हूं बहनों, ये नारी शक्ति है, आपकी जात मेरी जात एक है, हमारी जात महिला है, महिला पहली बार इस ओबीसी के अंदर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई है, अब आपका फर्ज बनता है आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ निकलो ताकि महिलाओं को मजबूत कर सके, क्योंकि अगर महिला मजबूत हो गई तो परिवार मजबूत हो गया, और परिवार मजबूत हो गया तो रिश्तेदार भी मजबूत हो गए, इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए और आपके अंदर एक जनून आना चाहिए, भाई मारा वर्गी बाण कोई मारा पहली बार खड़ी हुई है, हर औरत का धर्म बनता है कि उसको मेरे को मजबूत करना चाहिए, अरे बे जोन साहब मनाओ अपने घर वालों को, मनाओ अपने बेटों को, अगर कोई नहीं माने गणाई कर डाओ, जय तुम कह दिए रोटी खा तू तेरी गे रही है मैं मेरी गे रहा हूं, चल जाएगा अपना काम, अब सिस्टम ही ऐसा हो गया क्या करें, बेबे लुवाई तो मारा डाठा मैं मोडा चुनड़ी चल पड़ी गे जाऊगी, अरे पूछन की हिम्मत किसी के नहीं होती चाहे कोई भी हो, तो मैं खासकर मेरे युवा बच्चे हैं, इस बार मैं देख रही हूं इलेक्शन के अंदर युवा बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके अंदर एक जोश है, और ये जोश जो मैं महसूस कर रही हूं सब लोगों ने बर्थ के देखा है, मेरे पास दफ्तर में कितने ही आपके गांव के, मगर मैं नाम लूं कितने ऐसे लोग हैं जो अलग पार्टी के लोग हैं वो मेरे दफ्तर में आए और मैंने कभी काम करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि मेरा सिस्टम एक है, अगर आप पब्लिक में हो, आप जनता में हो, अगर आप उनके काम करवा रहे हो तो मुंह देके टिक्का कभी नहीं निकालना चाहिए किसी भी एमएलए को, किसी भी विधायक को, और ये रिवाज हमें डालना चाहिए, क्योंकि भेदभाव की राजनीति को छोड़ के हमें उससे ऊपर उठना चाहिए, जभी तो जन कल्याण कर पाएंगे, जभी तो गांव के काम कर पाएंगे, जभी तो हम लोगों का सहयोग कर पाएंगे, तो आप सब लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे और बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, और बोला चलो अगला पड़ाव फिर तैरी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नारी शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बैठियो हमारा साथी प्रभु है।